उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में नकल के लिए विख्यात है। 2017 के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुले मंच से यूपी में चल रहे नकल के खेल पर लगाम लगाने की बात करते थे। सरकार भी बदल गई। योगी सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने के कई उपाय भी किए, लेकिन नकल का खेल आज भी वैसे चल रहा है जैसे पिछले सरकारों में चलता था। ताजा उदाहरण औरैया जिले का ही देख लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा पन्ना कोई किताब का पन्ना नहीं, बल्कि डीएलएड परीक्षा का प्रश्न पत्र है। हैरानी की बात यह है कि यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले ही वायरल हो गया। पेपर वायरल होने के बावजूद परीक्षा करा दी गई, जबकि एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें एक महिला सेंटर के बाहर साड़ी पर नकल लिखती दिख रही है। लेकिन जब इस वायरल पेपर के बारे में डायट प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल बयान देते हुए इस पेपर को दूसरे जिले का बता दिया। हमारे यहाँ से नहीं हुआ, हुआ हुआ तो होता, आपके पास सही होगा। आपके द्वारा कतई नहीं हुआ है। आपके द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि आपको ऐसी कोई जानकारी मिली है जो पेपर लीक आउट होने की जानकारी आ रही है? ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं, क्या क्या बता दीजिए साहब। नहीं, ये पेपर आया तो कहाँ से आया? मैं क्या बताऊँ, पेपर बनाया था। दरअसल औरैया जिले में आज डीएलएड परीक्षा के लिए दो सेंटर बनाए गए थे, जिसमें से एक सेंटर जो कि सदर कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका इंटर कॉलेज में था, जिसमें आज 12 बजे की पाली में होने वाली गणित का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पेपर लीक होने के बावजूद डायट प्राचार्य ने वायरल पेपर की जांच कराने की भी नहीं सोची और बिना जांच के ही पेपर दूसरे जिले का बता दिया। अब आप बताइए कि ऐसे अधिकारियों के होते हुए क्या उत्तर प्रदेश नकल और नकल माफियाओं से मुक्त हो सकता है? औरैया से अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।